भाइयों बहनों, हम कोई वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम। मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं? भाइयों बहनों, यहां से राहुल बाबा चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपको दिनेश प्रताप और राहुल बाबा का भविष्य तय करना है। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल बाबा ने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना? वो आएंगे तो पूछेंगे क्या कि क्यों नहीं गए भाई? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं जवाब, वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम कोई वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम। भाइयों बहनों सुन, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। मोदी जी ने इस देश के आस्था स्थानों को पुनर्जीवित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं यहां जब आया हूं तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। वो आए तो आप भी पूछिए। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं। पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। राहुल बाबा इसका जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं राम मंदिर के बारे में। मैं उनको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब जरा राहुल बाबा दे। और भाइयों बहनों, अंत में राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते? ये 5 चीजों का जवाब राहुल बाबा ने देना चाहिए, बाद में रायबरेली के लोगों के वोट मांगे।